यहाँ पे बांगवा गुंजपत्र का एक गांव है, गुंजपत्र एक चौदूरा तहसील का एक अपर एरिया है। मैं यहीं पे हूँ, मोहम्मद शाबान कुमार के घर में इस वक्त मौजूद हूँ। ये मोहम्मद शाबान कुमार की अहलिया है, उनके साथ हम बात करेंगे। पीएम उज्ज्वला योजना जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो करीबन 2016 में एक स्कीम लॉन्च की थी, पीएम उज्ज्वला जो गरीब लोगों को गैस कनेक्शन फराहम करने थे, वो फ्री में जो गैस कनेक्शन फराहम करने, बट यहां कुछ उल्टा ही हुआ। हम बात करेंगे मुफ्ती बेगम से, जो इसने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, मगर आज तक उसको पीएम उज्ज्वला स्कीम के तहत जो गैस फराहम नहीं हुआ। क्या हाल है ना, क्या मसल तह कर भर गए गैस भरम जोरी फारम भोर पोबुक वाजि यो गैस कनेक्शन नन गई जोरी नई तो ना गई फार फोटो स्टेट नीख चंदि आधार कार्डक नंबर नियुख फोटो नीख तुल फारम नियुख बस वे वन वाचि यो पोर गैस व दूर वाचि पा गुस गैस गैस वाले नश वो तमो दो कनेक्शन चलान तुम्हु तुम नियुत गैस वो तथा कस दु पशर तम बदल तमो दस बदल नियुत तमो ना हूँ पे नाव तो वह हूँ कहीं मुफ्ती बेगम का कहना है कि मैंने 2 साल पहले जो फॉर्म सबमिट किया है, यहाँ कुछ लोकल लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आपको फ्री में गैस मिलेगा, उनसे उन्होंने फॉर्म सबमिट किए थे, बट आज तक उनको गैस कनेक्शन नहीं मिला है। ये शिकायतें हमें बहुत ही जगहों पर जो मौसूल हो रही थी, तो फाइनली हमने एक RPI भी फाइल की थी हमारे साथी मुदस्सिर अहमद यत्तू साहब ने, तो उसमें हमने गुंजपत्री का नाम लिखा। आप देख सकते हैं ये मुफ्ती बेगम, ये RTI के जरिए हमने इन्फॉर्मेशन लाई है, मुफ्ती बेगम का नाम कंप्लीट जो है इसकी इस गैस लिस्ट में है कि इसने ये गैस लिया है। इसका कंज्यूमर नंबर है 661486, मुफ्ती बेगम गुंजपत्र सब्जार गैस एजेंसी जो है, वहां से इसको दिखाया गया है कि इसने ये जो गैस लिया है। बट मुफ्ती बेगम का कहना है कि मेरे पास, मैंने अभी तक गैस ही नहीं लिया है। हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनसे भी अपील करेंगे, ये जो मसला है पीएम उज्ज्वला स्कीम का जो अभी तक गरीब लोगों तक नहीं पहुंचे है, इसकी जो तहकीकात होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पर तहकीकात होनी चाहिए, पंचायत लेवल पर इनकी तहकीकात होनी चाहिए, क्या ये जो स्कीम है पीएम उज्ज्वला स्कीम, क्या ये लोगों तक पहुंचे हैं, उन गरीब लोगों तक पहुंचे हैं जिनका ये हक था, या गरीब जो लोग है वो अभी भी उस आश में है कि हमें आज न कल ये गैस पहुंच जाएगा। बट जब हम डॉक्यूमेंट देखते हैं उनके नाम पे कंप्लीट जो है गैस निकाले गए हैं, मगर उन तक नहीं पहुंचे। हमारी तरफ से यही गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से कि इस मसले को बारीकबीनी से देखा जाए और जो गरीब लोग हैं उनको इंसाफ मिले किसी हद तक। बहुत बहुत शुक्रिया।